मेरा नाम रमशा सुल्तान है एंड वेलकम टू माय रमजान सीरीज आज मैं आपको फाइव इस्लामिक बुक्स रेकमेंड करने जा रही हूँ वैसे तो रमजान इज द मंथ ऑफ कुरान एंड आपको रमज़ान में कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की समझने की और अमल करने की कोशिश करनी चाहिए बट इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स भी बताना चाहती हूँ जिनको पढ़कर आप अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और इन ये बुक्स आपको फायदा पहुंचाएंगी तो सबसे पहले ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी डोंट बी सैड जब मैं अभी स्टडी कर रही थी विच आर द बेस्ट इस्लामिक बुक्स तो ये बुक बार बार रिकमेंडेशन में आ रही थी सो आई फाइनली वेंट एंड परचेज दिस बुक एंड ओ माई गॉड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई रेड इस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बड़ा बात कर रहा है और आपको लाइफ एडवाइज दे रहा है और वो बड़े को बहुत ज्यादा नॉलेज है दीन की एंड एक चीज जो मुझे इस बुक के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि इसके एग्जाम्पल्स बहुत खूबसूरत हैं जब आप वो एग्जाम्पल्स पढ़ते हो तो आप सोचते हो कि हाँ ये सच है एंड दैट्स हाउ दिस बुक टेक्स यू आउट ऑफ सैडनेस बाय रिमाइंडिंग यू ऑफ अल्लाह इन ब्यूटिफुल वेज अगर आप इस वीडियो से कोई एक बुक चाहे लेना परचेज दिस बुक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये ऑल द फाइव बुक्स दिस इज माई फेवरेट द नेक्स्ट बुक दैट आई recommend यू इज reclaim योर हार्ट दिस बुक इज रिटन by Yasmin मुजाहिद जो के एक फीमेल इस्लामिक स्कॉलर है आप YouTube पर जाकर उनकी वीडियोस भी सुन सकते हैं इस बुक का पूरा जिस्ट ये है कि अगर आप अपनी लाइफ का फोकस अल्लाह से हटाकर किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान पे लगाएंगे तो आपको हमेशा नाउमीदी और निराशा मिलेगी एंड इट विल पुट यू इन अ डार्क स्पेस तो इस बुक से आपको ये गाइडेंस मिलती है कि द सेंटर एंड द फोकस ऑफ योर लाइफ शुड ऑलवेज बी अल्लाह तो आप बार बार कैसे रीकैलिब्रेट हो सकते हैं ऑन द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ ये आपको ये बुक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाएगी इस बुक की खास बात यह है कि आपको ये बुक फ्रंट टू बैक एक बार में फुल रीड करने की जरूरत नहीं है यू कैन ट्रीट इट मोर लाइक अ डिक्शनरी तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं एंड वेन योर फीलिंग लो तो आप इस बुक के इंडेक्स को खोलेंगे एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड अ चैप्टर जो कि उस वक्त आप सबसे ज्यादा फील कर रहे होंगे

द नेक्स्ट बुक दर आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज़ सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव ये बुक बहुत ख़ूबसूरती से इस्लाम के बारे में बताती है एंड इट ऑल्सो टेल्स के अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है सो इफ़ यू आर समन जिसकी रूह को एक सुकून की तलाश है या फिर इफ़ यू आर समन हु वॉन्ट्स टू हैव अ बेटर कनेक्शन विद गॉड दिस बुक इज़ फॉर यू This is one of the most highly recommended Islamic book of all time. And I think it is a beautifully written book and it is a must read. The next book I would recommend is The Sealed Nectar. This book worldwide bahut famous hai. It's an award winning book. Basically, it's on the life of our Prophet Muhammad, may peace be upon him. हुजूर अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं बट दिस बुक इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन एवर रिटन ऑन आर नबी बुक की खास बात यह है कि बहुत सिंपल बुक है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इजीली चैप्टर बाय चैप्टर जाते जाएंगे एंड आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि द बुक्स ऑन प्रोफेट मोहम्मद में पीस बी ओप ऑन एम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बिकॉज वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ डालना चाहती हैं बुक के अंदर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आप ओवरवेलम हो जाते हो एक बार में आप बुक पूरी पढ़ भी नहीं पाते बट दिस बुक इज वेरी इजी टू रीड एंड दिस इज वाई इट इज सो फेमस आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली स्टडी द लाइफ ऑफ आर प्रॉफिट मोहम्मद मे पीज भी अपॉन हेम बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी लाइफ को स्टडी करें उनसे सीखें और अपनी लाइफ में अमल करें तो इफ़ यू हैव टू स्टडी थ्रू अ बुक दिस इज़ द बुक दैट यू शुड गो फॉर राध एन गोइंग फॉर एनी अदर बुक ऑन आर प्रॉफिट मोहम्मद मे पीस भी अपॉन हैम and and the last book 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 that I would like to recommend is Islam beliefs and teachings basically in one book है. अगर कोई इस्लाम के बारे में जानना चाहता है एंड उसे कोई नॉलेज नहीं है लेकिन up दिस बुक एंड ए टू जेड इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड for Muslims ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि नमाज की इन डेप्थ मीनिंग आपको इस बुक में मिलेगी एंड ऑल्सो आपको जनरल ओवरव्यू मिलेगा कि इस्लाम में जनरल पोलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है इकनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है सोशल सिस्टम कैसे वर्क करता है सो इट्स अ गुड रीड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड वन बोनस बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगी फॉर एनी वन हु न्यू टू इस्लाम और इज स्टार्टिंग इस्लाम करंटली एंड दैट इज द्यू मुस्लिम गाइड ये बुक बहुत हेल्पफुल है फॉर एनी वन हु मुस्लिम रीवर्ट और इज स्टडिंग अबाउट इस्लाम सो ये बुक फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में समझाती है सो फॉर एनी वन जिसको कोई आइडिया नहीं है कि इस्लाम के फाइव पिलर्स क्या हैं वो इस बुक में बहुत खूबसूरती से बताए गए हैं एंड ऑल्सो इसमें इन डिटेल बताया गया है कि वज़ू कैसे करना है नमाज कैसे पढ़नी है तो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है उसको विद मीनिंग सारी चीजें मिल जाएंगी इस बुक में इस बुक में बताया गया है कि तोहिद क्या है वाई डू मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड या फिर जक़ात क्या है और जक़ात क्यों दी जाती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हज क्या है और हज क्यों करते हैं मुस्लिम्स उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस्लाम में या फिर हिजाब क्या है और मुस्लिम लेडीज अपने आप को क्यों कवर करती है है इस बुक में रमजान के बारे में भी बताया गया है और इनडेप्थ बताया गया है कि रोजे कैसे रखने हैं सहरी क्या होती है इफ्तार क्या होता है और आपको अपना रमजान कैसे गुजारना चाहिए एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट कि एज अ मुस्लिम आपका मॉरल कैरेक्टर क्या होना चाहिए और आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए और हलाल और हराम में फर्क बताया गया है वेदर इट्स द फूड और द अर्निंग्स एंड महरम ना महरम में फर्क बताया गया है बिकॉज एज अ नॉन मुस्लिम आपको इन चीजों का इल्म नहीं होता आई गेट कॉन्टेक्टेड बाई सो मेनी पीपल Who are new to Islam, they have accepted Islam, and I recommend this book to them because it is truly a very good guide for anyone who's new to Islam. सो आई टेक योर लीव नाउ आई होप आपको ये रमज़ान सीरीज़ पसंद आ रही होगी एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एनी वन जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगी आपकी कौन सी फेवरेट बुक है आप वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड यस प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैं बहुत दिल से और बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन और भी यूजफुल वीडियोज़ इस रमज़ान में मिलेंगी So this is me, Ramsha Sultan, signing off.